क्योंकि ये मेरी गलती से आज हुआ है क्लास, इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन है। हाँ प्रीसा बोलो। ये क्वेश्चन है, कितना आंसर आया इसका बोलिए। आ सकते हैं कुछ बोलना है तो आप व्हाट्सएप पे भेज रहे, वहां भी हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन में ये डायग्राम है, क्वेश्चन में दिया है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर 1 माइक्रोफराड है तो बताइए इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। इसमें समय लग जाएगा, जल्दी बनाइए, जितना फास्ट जितना करो काम उतना अच्छा है। सी का वैल्यू कितना हो, तो ये जिनसे बन जाए जल्दी से बताइए। थोड़ी देर के लिए मीटिंग को हम पॉज किए हुए हैं। 32/23। ओके 32/23 काफी लोगों का आया, प्रिसा का भी वही आया। अब हम बात करने जा रहे हैं, सुनिए। कई लोगों से नहीं बन रहा है तो घबराइए मत, अब आप आज सीखोगे एनर्जी स्टोर्ड एंड सो एंड सो काफी चीजें, तो ध्यान दीजिएगा। चार्ज यहाँ एंट्री करेगा और यहाँ से निकलेगा। आज का क्लास लंबा नहीं जाएगा, दूसरा मीटिंग भी हम कम कर खत्म करेंगे। कई बच्चों का शिकायत है कि मैं क्लास आता है कैसे एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं, तो हम बोले कि कम देर का रखेंगे। चार्ज जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पर दो हिस्सों में बटेगा, यहाँ पे भी चार्ज बटेगा। देखो ध्यान से, ये चार्ज यहाँ जाएगा, इधर से एक चार्ज जाएगा, इसमें जाएगा, और फिर ये दोनों यहाँ मिलके इधर से ये जाएगा और ये फिर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे कोई भी समझ सकता है कि जो चार्ज इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, मतलब ये दोनों सीरीज में होगा। अब ये दोनों सीरीज में होगा तो 1/6 और 1/12 का सीरीज आपको पता है, 1/6 सीरीज, 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम 12 ऊपर 3, सी सीरीज इक्वल टू 4। यानी आप ये समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा जो हम बोल रहे हैं उसकी बात को। हम यहाँ चूंकि एक ही डायग्राम में मिटा मिटाया काम करेंगे, आपको इतना समय दिए थे ताकि आप अपना काम कर सको। तो 6 और 12 कोई दोबारा भी नहीं पूछ सकते हैं, इसको मजबूरी है क्योंकि हम मिटा मिटाया काम करें। 6 और 12 मिलके एक बन जाएगा 4 माइक्रोफराड का, और आपको अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये चार इस चार के साथ किस कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा और चार मिलके बन जाएगा 8 माइक्रोफराड, क्योंकि वो अब पैरेलल में आ चुका है। तो अब ये बन चुका है आपका 8 माइक्रोफराड, क्योंकि पहला तो ये हुआ, दूसरा सी पैरेलल इजिकल टू 4 + 4 = 8 माइक्रोफराड। अच्छा ये दोनों साफ दिख रहा है पैरेलल में है, और पैरेलल में 2 + 2 क्या होता है, 2 + 2 क्या होता है, 4। दिख रहा है आपको कहीं भी दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो 2 + 2 = बन जाएगा ये आपका 4। देख लीजिए ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा हमको। हम यहाँ रुके हुए हैं आपके स्क्रीन के सामने, आप इतना दूर तक देख लीजिए पहले। ठीक है ओके, अब सुनिए, साफ साफ समझ में आता है कि जो चार्ज इससे जाएगा वही इससे जाएगा, मतलब ये दोनों सीरीज में होगा, और जो चार्ज इससे जाएगा वही इससे जाएगा, मतलब ये दोनों भी सीरीज में होगा। दैट मीन्स कि ये दोनों आपका आपस में सीरीज होगा, ये दोनों आपस में सीरीज होगा, और फिर जो आएगा वो आपस में पैरेलल होगा, है कि नहीं? सीरीज का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/1 + 1/8 एलसीएम 8, 9, उलट दो सी सीरीज 8/9। प्लीज मेरे कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा, हम भी क्वेश्चन उठा के लाए, पहले से बना कर ही बैठे हैं, तो कैलकुलेशन हम कहीं भी टुकटांग कर देते हैं। कहीं पे सीरीज में हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं, कभी पैरेलल में सीरीज का, वो भी देख लीजिएगा, मेरा बहुत उल्टा सीधा होता है। उसी तरह से ये दोनों, इन दोनों के लिए अब क्या करेंगे, 1/C सीरीज = 1/8 + 1/4 एलसीएम विल बी 8, 3/8 उलट देंगे तो 8/3 माइक्रोफराड। यानी अब ये दोनों मिलकर एक बन गया। देखिए हम एक ही डायग्राम में मिटा मिटाए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज आपके हम बस कॉन्सेप्ट के लिए बताए थे, अभी हम शुरू करने वाले हैं थ्योरी वैसे भी, तो उस थ्योरी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो अब ये ऐसा कुछ हो गया कि ये दोनों मिलके बन गया आपका 8/3 इधर, और ये दोनों मिलके इधर बन गया आपका, ये तो बी है, क्या बन गया भाई, 8/9। साफ दिख रहा है कि ये दोनों अब पैरेलल में है, और पैरेलल में होने की वजह से सी पैरेलल कितना होगा, सी पैरेलल विल बी 8/3 + 8/9 एलसीएम विल बी 9, 24 + 8 32/9। फिर भी आप चेक जरूर कीजिएगा, 32/9 मेरा आ रहा है, यानी इन दोनों को हटा के अगर हम एक लगाएंगे
तो वो लगेगा 32/9 का बेटा, 32/9 माइक्रो फराड का, 32/9 माइक्रो फराड दिख रहा है आपको, 32/9 माइक्रो फराड इन दोनों के बदले, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो देयरफोर अब क्या होगा, सी इक्विवेलेंट, अब ये क्या चीज में है, अब ये सीरीज में है, सीरीज में क्या हो जाएगा, 1/C equivalent = 1/C + 9/32, देख रहे हैं आप, 9/32, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां पर C equivalent का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1 microfarad, यानी कि यहां पे आप सोल्व करोगे 32C, अब या इसको इतना क्यों करना है, C का वैल्यू निकालना है सीधे, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा 1 = 1/C + 9/32, 1/C = 1 - 9/32, 32 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई, नहीं बचेगा, लिख लो ना आंसर, तुमने सब बता चुका था हमको बहुत लोग, C = 32/23। अच्छे से देख के आपको हम 2 मिनट दिए, 5 मिनट के लिए मीटिंग को हम रोक रहे हैं, 5 से 2 मिनट के लिए आप इसको देख लो, फिर हम डाउट पूछने का मौका देंगे, बस 2 मिनट आपको हम समय दे रहे हैं इसके लिए। Expression for force between the two plates of a parallel plate capacitor. Expression for force between two plates of a parallel plate capacitor, expression for force experienced by two plates of a parallel plate capacitor. आइए चांद अपने आप को अनम्यूट कर, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क में, तुम मत करो अपने आप को अनम्यूट, अपने आप को कौन अनम्यूट करेगा भाई, अपने आप को अनम्यूट करेगा तुषार कुमार, हाँ करो तुषार, तो अपने आप को अनम्यूट करो तुषार, अपने आप को अनम्यूट करो बाबू। यस भैया। हाँ बताइए, एक कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट डी बाई, फिर से बोल दीजिए, एप्सिलॉन नॉट डी बाई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, ए बाई डी, सॉरी कोई बात नहीं, इतना भी बोल दिया हमको खुशी होगा, किसी एक को रैंडम चुने हुए ये भी बोल दिया ना, गलत ही बोला, बोला तो हमको खुशी है, नहीं तो बाप रे बाप, पिछले साल के बैच को भी ऑनलाइन पढ़ाए थे, बच्चे नहीं बोलते थे इतना इजी फॉर्मूला, बहुत दिक्कत था, आप लोगों ने तो कुछ बोले भी, उनको बहुत खुशी है, एटलीस्ट आप लोगों ने इतना बताया। मेरा टॉपिक क्या था फिर से बताए ना, रिपीट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लेट या बाय द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, By the two plates of a parallel plate capacitor. और जीतो मोहंती अपने आप को आप मत करो अनम्यूट, अब हम सब बोलते ही रहते हो, अब हम किसको टोके किसको रोके, एक हमको शिवम कुमार दिख रहे हैं यहाँ पे, कोई शिवम कुमार यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, रोल नंबर 50 आपके स्कूल के हिसाब से है, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे शिवम, जरूरी है शिवम, आप ही के लिए, ओके शिवम, देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं शिवम, ए है एक प्लेट जिसमें हम प्लस सिग्मा लिखे हैं, जहां सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम सिग्मा कहते हैं, अच्छा मार्कर ये है, चार्ज बाय एरिया होता है सिग्मा, दो प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, देख रहे हैं, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, यही होता है शिवम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, असल में ये पूरा प्लेट होता है, तो शिवम मेरा ये कहना है कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो आप बताइए कि ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा या इसके चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, शिवम एक कंडक्टिंग प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फॉर्मूला बताइए,
कंडक्टिंग प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, याद है सिग्मा बाय एप्सिलॉन? बहुत अच्छा, बोलिए बोलिए, सही बोल रहे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अच्छा आदित्य बोल रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों का मिला के, ठीक है सब म्यूट रखिए अपने आप को, हम कुछ बताते हैं। हम आपसे देखिए कुछ भी, अब आपका यही ऑब्जेक्टिव है, आप लोग नहीं भाप पा रहे, अब आपको हम थ्योरी नहीं पूछेंगे, तो बहुत अच्छा है आपका प्रैक्टिस के लिए, क्या ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कैसे हो, सीधे डायरेक्ट हम पूछेंगे, दस दस सवाल एक बच्चे को उठा के देखो अभी ट्रायल दिखाते हैं। चलो आप में से रैंडम कोई हाथ उठाना चाहते हैं जो कि कैपेसिटर का कोई भी या उससे पहले कोई भी ऑब्जेक्टिव का जवाब देना चाहते हो आपकी भलाई के लिए, कोई एक हाथ उठाइए, कोई भी जो चाहते हैं कि आप पूछिए दस सवाल हमसे फटाफट हम जवाब देंगे, इजी इजी पूछेंगे एकदम इजी इजी बच्चा जैसा। ये वो तो उठा दो हाथ, इज्जत का बात है, तुम लोग का इज्जत मेरा नहीं, कोई तो वो उठाया, रैंडम कितना सिलेक्शन करते रहे हैं हम लोग, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, हम देख लेते, ठीक है थैंक यू सुंदर, एक भी हाथ नहीं उठाया बेसर सर। ओके हम बता रहे हैं, हम आपको अब टाइम दे देंगे, अगले दिन से ऐसे ही रैंडम पूछेंगे, अगले तीन चार क्लास के अंदर आप ध्यान रखिए, आपको कैपेसिटर जितना भी हम पढ़ाए हैं और गॉस लॉ और कैपेसिटर का ऑब्जेक्टिव हम किसी से भी पूछ सकते हैं तीन क्लास तक के अंदर, ठीक है आप याद करना शुरू कर लीजिए, इच्छू मत दीजिएगा समय। देखिए सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सुनिए यहाँ पे दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है एक निगेटिव प्लेट है, सुनिए किसी भी पॉजिटिव प्लेट के चलते किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है एक एक थिन सरफेस की बात करें तो। अगर वही यहाँ पे एक निगेटिव प्लेट होता ये, तो एक निगेटिव प्लेट अगर ये होता तो उसका फील्ड उसकी ओर होता और इसका वैल्यू भी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होता, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये हम गॉस लॉ में पढ़ाएंगे, अभी सर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में आप हैक बना के आइएगा, कहिए कि ऑब्जेक्टिव आएगा क्या जल्दी पढ़ने का, कुछ नहीं आपको पता है। तो सुन लें आप फिर से, एक प्लेट के चलते, एक कंडक्टिंग प्लेट के चलते, इधर वाला सरफेस के चलते किसी भी पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, हम दोनों का मिला के नहीं पूछे हैं, दोनों का मिला के पूछते ना आदित्य, तो इसका सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट अवे, और ये निगेटिव प्लेट है इसका भी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इधर साइड होता, दोनों ऐड होकर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाता। तो यहाँ क्या हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, क्या फॉर्मूला बोल दिए सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट E का वैल्यू। अब सुनिए हम सब जानते हैं ये सब पीछे से रिलेटेड हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कौन सा फील्ड दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर उस फील्ड में चार्ज क्यू आ जाए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज क्यू आता है तो वो चार्ज उस फील्ड में फोर्स महसूस करता है और फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई। अभी भी हम किसी कंप्यूटर पे पूछते तो कितने लोग ये बता पाते पता नहीं, फिर से सुन ले, किसी भी फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो पॉजिटिव चार्ज फील्ड महसूस करता है, फोर्स महसूस करता है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो फील्ड की ओर फोर्स महसूस करेगा, फील्ड की ओर, और निगेटिव चार्ज अगर है तो फील्ड के अपोजिट फोर्स महसूस करेगा, फील्ड के अपोजिट, लेकिन फोर्स का वैल्यू कितना होगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। जरा कौन से नहीं दिमाग से सुनिए, दो तीन फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ, एक प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और फोर्स का फॉर्मूला होता है जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। बोलना चाह रहे प्रकृति बोलिए, अभी खत्म करेंगे तब बोलिएगा, लास्ट में अभी हम बोलने का मौका देंगे। एफ इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई, पॉजिटिव चार्ज फील्ड की ओर फोर्स महसूस करता है, नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, इस पूरे इलाके में इस पॉजिटिव प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा पूरे इलाके में, हम ये नहीं कर रहे कि नेगेटिव के चलते नहीं होगा, उसके चलते भी होगा, अभी हम सिर्फ एक का देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में इस पॉजिटिव प्लेट के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा उसका डायरेक्शन प्लस से माइनस के होगा, इधर होगा,
और इसका वैल्यू होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में ये नेगेटिव चार्ज सब आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इसके संपर्क में आने की वजह से फोर्स महसूस करेगा। आप बताइए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर फोर्स महसूस करेगा? आप जानते हैं कि किसी भी फील्ड में नेगेटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स महसूस करता है, मतलब ये सारा चार्ज इधर फोर्स महसूस करेगा। देख रहे हैं? देखो नाउ ये छोटा एक्सप्रेशन है बहुत, लेकिन समझा के बोलना पड़ा, इतना समय लगा क्योंकि आप पीछे कभी भूल गए होंगे। नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नेगेटिव चार्जेज, ये प्लेट का नाम है ए, ये प्लेट का नाम बी, नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी इज कितना होगा भाई? फोर एफ इज इक्वल टू होता है चार्ज का वैल्यू, हम लोग क्यू, कैपिटल क्यू लिख रहे हैं तो कैपिटल है, स्मॉल लिख रहे स्मॉल ए लिख दो, क्यू इंटू ई, फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई, और इसका ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसका डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स, इसका डायरेक्शन ये फोर्स इधर की ओर है, तो लिख देंगे टूवर्ड्स प्लेट ए। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बोरिंग है, मजबूरी है, ये तो बोरिंग है, आप सामने रहते तो भाग नहीं पाते, यहाँ आपको मौका है कि चुपचाप से रख लेते हैं किनारे से। क्यू तो ठीक है, ई का वैल्यू हम पुट करेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू तो ठीक है, सिग्मा का वैल्यू होता है चार्ज बाई एरिया डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, देयरफोर एक्स का वैल्यू कितना आ गया जरा बताओ, क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया फोर्स। और इसका नेचर कैसा रहा? इसका नेचर हो गया अट्रैक्टिव, कहने का मतलब जिस तरह से इसके फील्ड की वजह से इसका चार्ज इसकी ओर आकर्षण महसूस किया, अट्रैक्शन महसूस किया, उसी तरह से इसके फील्ड की वजह से इसका चार्ज भी सेम मेथड से अट्रैक्शन महसूस करेगा। मतलब एक कैपेसिटर के दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय अ फोर्स क्यू स्क्वायर बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, बाय अ फोर्स क्यू स्क्वायर बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, जहां चार्ज कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, मतलब फोर्स भी पूरी तरह से क्या है, कांस्टेंट है। छोटा सा प्रूफ है, प्लीज आराम से लिखिए जल्दी से, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, वेट कर रहा हूं। भैया लास्ट में क्या बोले, अट्रैक्टिव कैसे हुआ? क्योंकि इसका फील्ड उधर था ना, तो नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट इधर फोर्स महसूस किया ना, ठीक उसी तरह से अगर हम नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज का फील्ड इधर ही होगा और पॉजिटिव चार्ज उसी की ओर फोर्स महसूस करेगा, मतलब ये प्लेट अगर इधर फोर्स महसूस करा तो ये प्लेट इधर फोर्स महसूस करेगा। हाँ ओके थैंक यू, और बोलिए जल्दी से, ठीक है हम थोड़ा देख लें, आप डाउट पूछे इसलिए मीटिंग को हम पहुंच कर, नहीं तो रिकॉर्डिंग में ये सब भी जाएगा।